हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा सेल बायोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सेल बायोलॉजी में सिक्स्थ लेक्चर है। अगर इससे पहले जो पांच लेक्चर अपलोड किए गए हैं अगर वो आपने अब तक नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। ओके, क्योंकि इससे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम यूकैरियोटिक सेल डिस्कस कर चुके हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी जो करनी है हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, उसके लिए वो सारे वीडियो जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आप जानते हो कि ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है, जो यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट किया जाए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है। वहाँ रेगुलरली नोट्स और वीडियो के लिंक्स जो है अपलोड किए जाते हैं ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सी, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रिवील दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और अ रेटिकुलम ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब फर्स्ट टाइम उसको ऑब्जर्व किया गया तो सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो ऐसे दिख रहा था कि वो कुछ नेटवर्क जैसे बनाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस होता है और फिर ऐसे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे होता है, राइट? कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसे वो बनाता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलम। जैसे आपने देखा ही होगा वेनेशन में हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जालीदार जब वेनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो उसी तरह जब भी नेट जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसे रेटिकुलम बोला जाता है, और ये साइटोप्लाज्म में मिला था इसलिए उसका नाम रखा गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि इट्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल विच लाइज इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लाइज होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सी द नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट वाज कॉइन इन 1953 ओके बाय द पॉर्टर, जिन्होंने 1945 में लीवर सेल्स में इनको देखा था, उन्होंने ये नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नाम सबसे पहले पोर्टर ने दिया था 1953 में। तो जब भी आप यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन अगर लिख रहे हो तो वहाँ इंट्रोडक्टरी पॉइंट में आपको ये पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, और साइटोप्लाज्म में होता है इसलिए उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और पोर्टर ने सबसे पहले ढूंढ निकाला था, और पोर्टर ने उनका नाम रखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सी, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देख, सेल बायोलॉजी में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि वो चार ऑर्गेनल से बना है, राइट? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कंटिन्यूएशन में है न्यूक्लियस के, वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम और साइटो कैविटी नेटवर्क। तो ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके दूसरे नाम्स भी है, जैसे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम या फिर साइटो कैविटी नेटवर्क। तो ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये बना होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व से। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो आउटर न्यूक्लियर इन्वॉल्व है इस न्यूक्लियर इन्वॉल्व को कंटिन्यूएशन में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, देन आफ्टर इट हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी अपैरेटस, एंड फ्रॉम दिस गोल्जी अपैरेटस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बेसिकली चार ऑर्गन से बना है। देखिए, सेल के अंदर इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है आप जानते हो कि इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस आउटर मेम्ब्रेन का कंटिन्यूएशन ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंटिन्यूएशन में होता है विद दैट ऑफ द आउटर इन्वॉल्व ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कनेक्शन में ही यहाँ पे होते हैं सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं उसके सिस्टर्नी उसके कॉन्टैक्ट में ही होते हैं। ओके, और इसी गोल्जी अपैरेटस से बाद में लाइसोसोम बनाए जाते हैं, राइट? तो लाइसोसोम जो है सबसे आखिर में नीचे होते हैं लाइसोसोम, देन वी हैव द गोल्जी बॉडीज, हियर वी हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड हियर वी हैव द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स, ऑल दिस टुगेदर मेक द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इन चारों से क्या बना है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना है। और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो जो चारों ऑर्गेनल है जिस वजह से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना है, दीज आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है, चार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज दी न्यूक्लियस, देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आफ्टर दैट द गोल्जी बॉडीज, एंड देन वी हैव द लाइसोसोम्स। सो अगर आप बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो फॉर एमएससी, तो बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आना
बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है, जैसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन होते हैं या फिर वो कौन से चार ऑर्गेनल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वहां पे बनाते हैं। ऑलराइट, तो इसको शॉर्ट फॉर शॉर्ट बोला जाता है जी आर एल। जी स्टैंड फॉर दी गोल्जी, ओके। ई आर स्टैंड फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल स्टैंड फॉर दी लाइसोसोम। ओके, इट इज रेफर टू द स्पेशल रीजन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच इज मोर रिलेटेड टू गोल्जी अपैरेटस एंड इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के कंटिन्यूएशन में ही क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, और गोल्जी अपैरेटस से ही लाइसोसोम बनते हैं। तो इसे इन शॉर्ट बोला जाता है जी आर एल। जी स्टैंड फॉर द गोल्जी, ई आर स्टैंड फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल स्टैंड फॉर द लाइसोसोम्स। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का कंटिन्यूएशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो ऑर्गेनल होता है, दैट ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज द गोल्जी बॉडीज, एंड फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज द लाइसोसोम्स आर फॉर्म। सो ऑल दिस फोर ऑर्गेनल फ्रॉम द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मिलके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो साथ में कैरी आउट करता है। ओके, एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनने का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यही है कि वो साथ में कोई फंक्शन करते होंगे, कोई किसी प्रोसेस का वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो एक प्रोसेस करेगा, और फिर दूसरा पार्ट करेगा, फिर तीसरा और फिर चौथा, उसी से वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जब कोई ऑर्गेनल प्रोसेस से बंधे होते हैं, मतलब जब वो किसी प्रोसेस में कंटिन्यूएशन में एक्शन में आते हैं, तब उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हुए देखा जा सकता है। तो ऐसा जो नेटवर्क है जो हमारे सेल में, यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड आफ्टर दैट द लाइसोसोम्स। ओके, लेकिन इसमें पर्टिकुलर ये है कि जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मेम्ब्रेन जो है वहां से उसका शुरुआत होता है, बट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस इज समटाइम्स कंसीडर्ड अंडर द एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ऑलराइट, नाउ सी, मॉर्फोलॉजिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट मे ऑकर इन द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स, मतलब थ्री फॉर्म में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूक्लियस का कंटिन्यूएशन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस टाइम द रॉग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो तीन फॉर्म में वो दिखाई देता है, पहला होता है लेमिनार फॉर्म या फिर सिस्टर्नी, ठीक है, ये बहुत कॉमन फॉर्म है जो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ से सिस्टर्नी के फॉर्म में वो तैयार होता है। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है इट्स वेसिकुलर फॉर्म और द वेसिकल, समटाइम्स इट फॉर्म्स द वेसिकल लाइक दिस। ओके, कुछ वेसिकल के स्ट्रक्चर्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंड समटाइम्स इट फॉर्म्स द ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स भी वो फॉर्म करता है। तो तीनों फॉर्म में जो मॉर्फोलॉजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि वो लैमिनार फॉर्म में आ जाए, सिस्टर्नी के फॉर्म में आ जाए, या फिर वो वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाए, और कभी-कभी वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी आता है। तो मॉर्फोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो बहुत वेरी करता है, कभी-कभी वो सिस्टर्नी के फॉर्म में होगा, कभी वेसिकल के फॉर्म में होगा, तो कभी ट्यूब्यूल के फॉर्म में वो हो सकता है। नाउ सी, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट इज द ल्यूमिनल दैट इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज द साइटोप्लाज्म। देखिए, दो कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनाता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और इस सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में है, देखिए ऐसे इस प्रकार से। ओके, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब इसमें क्या है कि उसके अंदर का जो पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट, उसको बोला जाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, उसको क्या बोला जाता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ओके, और उसके बाहर फिर जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनार कंपार्टमेंट। ओके, इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनार कंपार्टमेंट। ओके, तो जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो पूरा इंट्रा सेलुलर, ये जो पूरा अरीना है सेल का, सेल के अंदर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो कुछ उसके बॉडी में है, उसके बॉडी के अंदर है, उसको बोला जाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, क्योंकि उसके अंदर ल्यूमेन होता है, और उसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। और ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट अगर इतना छोड़ दिया जाए, तो जो कुछ बाहर है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ओके, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रोसेलुलर स्पेस को इनटू द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ओके, सो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट वो है जो अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। ऑलराइट, नाउ सी, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज द राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सर्फेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच बियर्स द राइबोसोम आर कॉल्ड एज द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि राइबोसोम वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, वहां दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे बाहर उसके सर्फेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसके बॉडी पे। ओके, और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आप देख सकते हो
कि इस प्रकार का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है और उसके ऊपर जब राइबोसोम ऐसे आते हैं तो रग अपीयरेंस एक आता है ऊपर से राइबोसोम की वजह से, इसलिए उसको बोला जाता है रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेल ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो कुछ पार्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उस पर राइबोसोम नहीं है, तो उसकी सर्फेस जो है वो बड़ी स्मूथ दिखती है, तो ऐसे केस में उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट इज द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी द ऑब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर द स्मूथ एंड आर कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब राइबोसोम्स है या फिर नहीं है सरफेस पे, डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच हैज द राइबोसोम्स राइट एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच डज नॉट हैव द राइबोसोम्स। ओके, so the rug endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and the secretion। देखिए ये बड़ा obvious है क्योंकि rug endoplasmic reticulum के bodies पे क्या होते हैं, वहां पे राइबोसोम्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इस पोर्शन को क्या बोला जा रहा है रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं दिख रहे तो इसको बोला जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स एज यू नो दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल बोला जाता है। ओके, तो ये जो प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल जो है ये राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होने की वजह से फ्रिक्वेंटली देखा गया है कि जहां पे रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा होता है। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस जहां चल रहा है वो है रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ दे आर द एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अभी आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन है इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स है, और उसके आउटर मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे, ये जो उसका आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यूएशन में क्या तैयार हो रहे हैं, इट्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक्सटेंशन है, कंटिन्यूस एक्सटेंशन है ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये कुछ इस प्रकार है, अगर हम न्यूक्लियस ऐसा ड्रॉ करें, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है इधर वाला, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका कंटिन्यूएशन में ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार होता है, मतलब उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ वो कंटिन्यूएशन में वो वहां पे होता है। ओके, सो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज इन द कंटिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ सी ये आपको पर्टिकुलरली तब याद रखना पड़ता है जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो एग्जामिनेशन में, जब अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो और अगर आपने आउटर मेम्ब्रेन अगर कंटिन्यूएशन में नहीं दिखाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उसे टेक्निकल मिस्टेक समझा जाता है। ओके, तो टेक्निकल मिस्टेक अगर वहां पे होगी तो कुछ मार्क्स आपको वो कॉस्ट कर सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसको कंटिन्यूएशन में दिखाना है विद दैट ऑफ द सॉरी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का उसको कंटिन्यूएशन में दिखाना है विद दैट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट्स अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ओके, इन एनिमल सेल्स द लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड सिंथेसिस होता है, वहाँ लिपिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, फैट्स को सिंथेसाइज करने के लिए, या फिर जो स्टेरॉयडल हार्मोन ये होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, स्टेरॉयडल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एसीआर के पास मैकेनिज्म होता है, उसके पास पूरी वो मशीनरी होती है। सो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द वन हैंड क्रिएट्स द प्रोटीन्स, उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड क्रिएट्स द लिपिड्स। तो ये उनके डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते हैं। राइट, नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्टीरिया एनएडीएच साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, एनएडीएच डायफोरेज, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, एमजीआर पॉजिटिव एक्टिवेटेड पीटी एटीपीएज, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है, ये जो सारे एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स वेरियस फंक्शंस करते हैं लाइक इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, ऑस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोरोनाइड, स्टीरॉइड्स, हेक्सोस एक्सेट्रा, इन सब के मेटाबॉलिज्म में जो है ये सारे एंजाइम्स जो है वो काम में आते हैं। राइट, तो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट जो है वो इन्वॉल्व होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड ऑस्कॉर्बिक एसिड लाइक सब्सटेंसेस। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसके जो सरफेस होती है उसके ऊपर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम्स है ये डिफरेंट बायोसिंथेसिस का वर्क कैरी आउट करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट आल्सो कंटेन्स द एंजाइम्स, उसके पास और एंजाइम्स भी होते हैं जो वेरियस केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए वो काम में आते हैं। ओके, नाउ सी लेट्स कंसीडर अबाउट द ओरिजिन, हाउ द ओरिजिन ऑकर्स, हाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गॉट ओरिजिनेटेड। ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिनेशन क्या है यूकैरियोटिक सेल में।
सी द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज स्टिल अननोन, अब तक पता नहीं है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, देखिए जैसे कि बट बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रिसेंबल विद दैट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो एट द टेलोफेज स्टेज द ईआर मेम्ब्रेन्स आर फाउंड टू फॉर्म द न्यूक्लियर इन्वॉल्व. Therefore, it is normally assumed that the endoplasmic reticulum has originated by the invagination of the nuclear membrane. देखिए इसके बहुत सारे जैसे अब तक इसका ओरिजिन अननोन है, लेकिन हम स्ट्रक्चर से ही पता कर सकते हैं. जैसे कि हमने कहा कि न्यूक्लियस अगर है तो उसके आउटर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ओके, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो हम बोल सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, उससे प्रोबेबल उसका ओरिजिनेशन हुआ होगा, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. फर्दर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसके साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है बहुत मैच करते हैं. मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, उसे वैसे ही जो फीचर्स है वो किसके है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं. और ऊपर से जब टेलोफेज देखी जाती है तब ये पता चलता है कि वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व फॉर्म करता है. तो फिर इससे हमें क्लियर आइडिया आ जाता है कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो है, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व का इंपॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कैसे तैयार हुआ होगा, बाय द इवेजिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इवेजिनेशन होके वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट हुआ है. तो दिस इज द ओरिजिन कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार हुआ है. तो उसका प्रोबेबल बस एक ही आंसर हो सकता है, वो ये हो सकता है कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व का इवेजिनेशन होने की वजह से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार हुआ है. वैसे उसकी जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो अभी तक अननोन है, ये बस गेस है स्ट्रक्चर वाइज और केमिकल कंपोजिशन वाइज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व से बना होगा. Now see, let us consider the functions of the endoplasmic reticulum. Now see, the endoplasmic reticulum provides the structural skeletal framework to the cell and it gives the mechanical support to the colloidal cytoplasmic matrix. अब देखिए जो सेल होता है, हमने पहले ही स्लाइड में कहा था कि सेल के अंदर ये किसी नेटवर्क की तरह होता है. ओके, ये नेटवर्क बनाता है, इसलिए उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. तो ये जो नेटवर्क है इस वजह से साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क एक सेल के अंदर बनता है और इस वजह से मैकेनिकल सपोर्ट तैयार होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में. मतलब जो कुछ पर्टिकुलर शेप यहाँ पे तैयार हुआ है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने का यहाँ पे है, उस वजह से जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है सेल की वो क्या होती है, मेंटेन होती है. एक्चुअली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से डिफरेंट कंपार्टमेंट जो क्रिएट किए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उसकी वजह से जो सेल है उसका जो कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो जो वेरी फर्स्ट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि वो स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, क्योंकि बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो कोलाइडल होता है, वो उतना स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं दे पाता. तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल. After that, the second function is the exchange of the molecules by the process of osmosis, diffusion, and the active transport occurs through the membranes of the endoplasmic reticulum. So, diffusion के through जो pass on होते हैं molecules across the membrane, वो endoplasmic reticulum की membrane करती है. Osmosis से होने वाला जो transport है, वो भी endoplasmic reticulum में होता है. और उसके साथ साथ जो active transport होता है, ये active transport भी endoplasmic reticulum करवाता है. तो डिफरेंट टाइप्स के ये जो फंक्शंस है जिसमें से अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रैवलिंग होता है, तो इसके लिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट करवाती है. ओके, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे कैरी आउट करती है, इन विच थ्रू द डिफ्यूजन, थ्रू द ऑस्मोसिस और थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो क्या करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं, मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करते हैं. ओके, नाउ The ER contains the enzymes which performs the synthetic and metabolic activities. Further, the ER provides the increased surface area for the enzymatic reactions. देखिए ये हमने पहले से डिस्कस किया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है उसपे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेटिक और मेटाबोलिक एक्टिविटी में वर्क करते हैं. देखिए यहाँ पे जो एंडो न्यूक्लियस की बाहर की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर का एक्सटेंशन होने की वजह से अगर आप देखोगे ध्यान से तो सर्फेस एरिया ग्रेटली बढ़ गया है. सर्फेस एरिया जो बढ़ा है, इस सर्फेस एरिया की वजह से ज्यादा एरिया मिल जाता है फॉर द केमिकल रिएक्शन टू ऑकर. एंजाइमेटिक रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पे ज्यादा एरिया मिल गया है. तो इसलिए यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, कि सिंथेसिस कर रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपना योगदान दे रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स, और उसके साथ साथ उसने सर्फेस एरिया बढ़ाया है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहाँ पे कैरी आउट हो सके. ओके, नाउ सी द फोर्थ फंक्शन दैट द ईआर एक्ट एज द इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. वो किसी सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की तरह वहाँ पे काम करता है. वेरियस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ऑफ द ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस ऑर्गेनल्स एज फॉलोस. सी ग्रेनुलर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से अग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सब्सटेंस जाते हैं, वहाँ से गोल्जी मेम्ब्रेन में जाते हैं, वहाँ से लाइसोसोम में जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट द वेसिकल एंड एक्सक्रीटरी ग्रेनुल्स वहाँ से तैयार होते हैं. अगर यहाँ पे देखो आप तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस होता है,
ओके, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम होता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के बाद ट्रांसक्राइब होके यहाँ पे एमआरएनए आता है, और एमआरएनए जब बाहर आता है तब उसको राइबोसोम कहाँ मिलते हैं, ऑन द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रग एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे राइबोसोम्स ये होते हैं तब वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और उसके बाद ये जो प्रोटीन तैयार होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है, और वो पहुंचते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन के पास, और गोल्जी मेम्ब्रेन से इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम से इनको इंट्रा सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, जो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं सेल के अंदर उसको सर्कुलेट करना या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कौन कैरी आउट करता है, इट इज कैरी आउट बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ सी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स द न्यू न्यूक्लियर इन्वॉल्व आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए जैसे हमने ओरिजिन के वक्त इसको डिस्कस किया था कि जब भी सेल डिवाइड होता है और न्यूक्लियर डिवीजन जब वहां पे होता है, जब न्यूक्लियर डिवीजन वहां चल रहा है, ओके, दैट मींस कैरियोकाइनेसिस जब वहां पे चल रहा है, तो न्यूक्लियर डिवीजन के वक्त जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे बनती है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनानी पड़ती है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनानी पड़ती है वहां पे उसको बनाता है कौन बनाता है, इट इज क्रिएटेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज डन बाय द रग सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ सी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स आर फाउंड टू कंडक्ट द इंट्रा सेलुलर इम्पल्सेस। देखिए इंट्रा सेलुलर इम्पल्सेस को भी ट्रैवल कराने का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल में पाया जाता है, ओके, तो ये एनिमल सेल जब भी होते हैं तो मसल सेल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द सर्फेस मेम्ब्रेन इनटू द डीप रीजन ऑफ द मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स में ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इम्पल्स का, इन इम्पल्स को ट्रैवल कराने में जो होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो सिक्स्थ फंक्शन हमने डिस्कस किया वो ये है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन जो है वो इम्पल्स ट्रैवल करने करना कराने में भी मदद करता है। एग्जाम्पल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स तक वहां पे सिग्नल्स पहुंचाता है, राइट। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग द कैल्शियम व्हेन द मसल स्टिमुलेटेड एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग द कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन द स्टिमुलेशन स्टॉप्स एंड मसल मस्ट बी रिलैक्स। जब भी मसल्स होते हैं तो वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इंपल्स ट्रैवल कराने का काम करता है बाय डूइंग द बाय रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस को रिलीज करने का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट टू वाज कैरिड आउट बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ बिसाइड दिस यू मे गेट सम न्यू पॉइंट्स, वहां पे अगर आपको कुछ न्यू पॉइंट्स मिले तो आपने वो आपके नोट्स में ऐड कर लेने हैं, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो कुछ स्लाइड पे यहाँ पे जो टेक्स्ट आता है उस टेक्स्ट को आप नोट डाउन किया कीजिए ताकि आपके पास एक अच्छी नोट्स बन जाए जो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के वक्त आपके काम में आए। ऑलराइट, तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग द बॉटनी, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द बॉटनी ऑप्शन चैनल लेट प्लीज सब्सक्राइब टू बॉटनी ऑप्शन चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।